नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे और मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। चलिए आज मैं आपको लिए चलता हूँ खारिया पब्लिक स्कूल खारिया में। यहाँ पे आपको बता दूँ कि एक क्विज कंपटीशन का आयोजन स्कूल के द्वारा किया गया है। बच्चों से जो कुछ क्वेश्चन उनके सिलेबस से रिलेटेड और जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है वो यहाँ पे पुट किए जाएंगे। और यहाँ पे आपको बता दूं कि अलग अलग तरह के हाउस बनाए गए हैं। पहले स्थान पर अगर बात करूं तो गुरु नानक हाउस, अगर दूसरे हाउस की बात करूँ तो संत कबीर हाउस है। इसके साथ साथ अगर हर एक हाउस की बात करूँ तो 4 से 5 बच्चे एक हाउस में लिए गए हैं। और उसके आगे तीसरे नंबर पे शहीद भगत सिंह हाउस है। और चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो रविंद्रनाथ टैगोर हाउस बनाया गया है। और प्रत्येक हाउस में 5 बच्चों को लिया गया है। इन 5 बच्चों से सवाल किए जाएंगे। साल भर के जितने भी प्रेयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो तमाम क्वेश्चनों के जवाब जो है इन बच्चों से लिए जाएंगे। तो इससे क्या है कि एक प्रिपरेशन बच्चों की हो जाती है कि साल भर की जो उनकी तैयारी है वो कैसी रही है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं गुरु नानक हाउस के बच्चों से जानते हैं कि आखिर किस तरह का कंपटीशन है ये और किस तरह की एक्साइटमेंट उनको हो रही है इसको लेकर के। बेटा क्या ये आयोजन है, क्या आपके स्कूल में हर साल होता है इस तरह का आयोजन? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम निशा फ्रॉम 9th क्लास फ्रॉम खारे पब्लिक स्कूल। हमारे जैसा कि आप जानते हो हमारे प्रेयर में हमसे 5 क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और जो 5 क्वेश्चन हमें पुट किए जाते हैं और उनमें से आज हमारा क्विज कॉम्पिटिशन होने जा रहा है। जैसे सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके और हमसे क्विज कॉम्पिटिशन करवाया जा रहा है, उसमें से आज हमें हमारे सिलेबस रिलेटेड और जीके क्वेश्चन जैसे कि वो हमसे आज पुट किए जाएंगे। और अच्छा, हर साल होता है ये आयोजन आपके स्कूल? जी सर, हर साल होता है। अच्छा, इसी तरह से हाउसेज बनाते हैं? हाँ, यस सर। तो क्या आपको शिक्षा मिलती है, कितने का आपकी जानकारी इससे बढ़ती है? सर, ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड होता है, हमें इससे बहुत जानकारी मिलती है और हमारे जितने भी हरियाणा जीके होती है और इंडिया की पूरी जीके की हमें जानकारी मिलती है इससे। हम इससे हमें बहुत मतलब बेनिफिट होता है। कंपटीशन को लेके कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है सर, यस। चलिए गुरु नानक हाउस के बाद अब चलते हैं संत कबीर हाउस के पास। यस, क्या नाम आपका? विक्रम। विक्रम, क्या कहना चाहोगे आप इस कंपटीशन को लेकर के, किस तरह से ये आपके लिए लाभकारी है? ये हमारे लिए बहुत लाभकारी है, ये हमारे स्कूल में हर साल करवाया जाता है। इसमें हमसे देश विदेश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरे साल के क्वेश्चन हमसे हर रोज पूछे जाते हैं और ये हर रोज के 5-5 क्वेश्चन कर हमारे पूरे साल में कॉम्पिटिशन किया जाता है। यह कॉम्पिटिशन है हर साल किया जाता है और 2 दिन पहले हमारे स्कूल में साइंस कॉम्पिटिशन भी किया गया था। इससे हमें बहुत नॉलेज मिलती है और हमारे आने वाले लाइफ में भी ये हमारे बहुत काम आते हैं। चलिए शुक्रिया। यानी कि समय समय पर स्कूल के अंदर जो है इस तरह के क्विज कंपटीशन और साइंस कंपटीशन, चाहे मैथमेटिक्स की बात करें या हर एक अलग सिलेबस का एक कंपटीशन बच्चों से करवाया जाता है, जिससे कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जानकारी अर्जित करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? शेखर। शेखर, आप क्या कहना चाहोगे इस कंपटीशन के बारे में, किस तरह के कंपटीशन आपके स्कूल में इसके अलावा भी होते हैं? हमारे स्कूल में बहुत से क्विज कंपटीशन होते हैं, जैसे जीके क्वेश्चन और जीके क्विज और साइंस क्विज और मैथ क्विज भी होती है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के प्रश्न होते हैं और इससे हमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलती है और हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा, आज की अगर बात करें तो इस कॉम्पिटिशन के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह से आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है? इसमें हमें बहुत सी नई जानकारियाँ मिलेंगी और नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलिए, नई जानकारियाँ और नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और इस कंपटीशन में जो जीतेगा उसको एक हौसला बनेगा कि आने वाले और कंपटीशन वो जीते, और जो नहीं जीतेगा उनके लिए ये एक प्रेरणा रहेगी कि आने वाले कंपटीशन में वो भी हिस्सा लें और जीतें। चलिए रविंद्रनाथ टैगोर हाउस में हम चलते हैं। यस, क्या नाम आपका? पायल। पायल, क्या कुछ कहना चाहोगे आप इस कंपटीशन को? हमें ये सबसे ज़्यादा कंपटीशन अच्छा लगता है क्योंकि हमें स्टेज पे बोलने का मौका मिलता है, हमें सीखने का मौका मिलता है। अच्छा, तो इससे पहले आप कोई कंपटीशन में हिस्सा लिया आपने, ये पहली बार ले रहे हो? नहीं, पहली बार तो नहीं ले रहे, जैसे स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटी भी होती है उसमें भी हम लेते हैं। अच्छा, तो इस कंपटीशन की बात करें तो इस कंपटीशन में ऐसा क्या कुछ खास है जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण लगता है? इसमें अलग अलग टाइप के जीके क्वेश्चन होते हैं और जो हमें आगे भी जाके काम आते हैं। चलिए
चलिए अभी इस कंपटीशन की मैं आपको एक झलक दिखा देना चाहूँगा, कुछ तस्वीरें दिखा देना चाहूँगा कि आखिर किस प्रकार से यहाँ पे बच्चों से सवाल किए जाते हैं, किस प्रकार से बच्चे और उसका जवाब देते हैं, और उसके बाद जो यहाँ के जो अध्यापक हैं, जो इस कंपटीशन के जो हेड हैं, वो क्या कुछ कहते हैं कि आखिर किस उद्देश्य से इस कॉम्पिटिशन का जो आयोजन करवाया जाता है, और स्कूल साल भर में अलग अलग कौन कौन सी गतिविधियाँ करवाता है जिससे कि बच्चों को उनके सिलेबस से रिलेटेड या फिर कुछ क्वेश्चन जो है वो याद करने में आसानी रह सके, वो तमाम चीजें जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस क्विज कंपटीशन की आपको एक झलक दिखा देना चाहूंगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कब मनाया जाता है? 5 जून। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। राइट आंसर। हाल ही में कौन सी अभिनेत्री एनआरसी में सीएए के विवाद में फंसे हुए हैं? दीपिका पादुकोण। राइट आंसर। क्वेश्चन इज, हरियाणा में बिजली महल कहाँ स्थित है? हरियाणा में बिजली महल कहाँ स्थित है? राइट आंसर। पैसेंजर हाउस है शहीद भगत सिंह हाउस। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। राइट आंसर। चलिए अभी आपने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग हाउसेस से सवाल किए जा रहे थे, क्वेश्चन पुट किए जा रहे थे, जैसे ही जवाब दे दिया जाता तो उनको साथ के साथ एक चॉकलेट जो प्राइज़ के रूप में दी जा रही थी। लेकिन इसके साथ अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे इस हाउसेस में शामिल नहीं हैं, ऑडियंस में बैठे हुए हैं, अगर जो कंपटीशन जो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं उनसे सवाल गलत हो जाता है तो वो सवाल जो है ऑडियंस के पास चला जाता है। तो ऐसे में तमाम जितने भी स्कूल के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को एक मौका मिलता है कि वो भी अपना जवाब दे सकते हैं, और जवाब देने के बाद वो भी इनाम यहाँ पे जीत सकते हैं। चलिए सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर अगर बात करें तो इस कॉम्पिटिशन का मुख्य उद्देश्य अगर हम जानना चाहें तो क्या? सर मुख्य उद्देश्य है, जैसे हमेशा की तरह बच्चों का IQ लेवल चेक करने के लिए हम करवाते हैं, तो हमारा यही मानना होता है कि बच्चे का एजुकेशन के साथ जो जनरल नॉलेज है, जो हमारे देश विदेश में क्या हो रहा है उसके प्रति बच्चों को जागरूक करना होता है। और जो हमारे हमेशा चलता है कि असेंबली में एक प्रथा ही चलती है, हमारे एक सिस्टम भी चलता है कि बच्चों से हर रोज़ जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इसीलिए पूछे जाते हैं कि बच्चों को उनके हमारे देश में विदेश में और हमारी जनरल नॉलेज क्या है, देश क्या है, हमारा प्रदेश क्या है, उसी के बारे में बताया जाता है। जी अगर ये बात करें तो जो असेंबली में आप क्वेश्चन पुट करते हो बच्चों से डेली के 5, ये जनरल नॉलेज से होते हैं या उनके सिलेबस से रिलेटेड भी? नहीं सर, सिलेबस तो क्लासेज में होता है, इनके स्पेशली जनरल नॉलेज से किया जाता है। मान लो हमारे देश का कर लो, चाहे हमारे राज्य के रिलेटेड कर लो, या हमारी जो मौसम संबंधी होती है, जो देश के अंदर हमारी ज्योग्राफी के अंदर क्या आता है उसके बारे में पूछा जाता है, बच्चों को अदर नॉलेज के लिए पूछा जाता है सर, स्पेशली इसीलिए करते हैं सर। कितना बेनिफिट आपको देखने को मिला इस सिस्टम से? देखने को बहुत कुछ मिलता है सर, क्योंकि आजकल के बच्चों को अगर सिलेबस में करवाए तो मुख्य तौर पर उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का भी नहीं पता होता, उस बेस पे हम ऐसा कुछ करवाते हैं तो बच्चा सब कुछ सीख जाता है कि हमारे देश में कौन क्या है, उसी के बारे में बच्चों को फ़ायदा मिलता है। और क्योंकि आमतौर पे हमारे गांव में यही पूछा जाता है कि हमारे देश का कौन है क्या है, तो उसके लिए बच्चों को नीचा नहीं देखना पड़ता, बच्चे सोचते हैं कि हमारे एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है स्कूल में, यही हमारे लिए बेनिफिट रहता है सर। आने वाले समय में क्या कुछ और नया इवेंट इस तरह का लेके आओगे या इसमें किस तरह का सुधार किया जाना बाकी? सर सुधार तो आमतौर पर यही है कि हम हर एक इवेंट को हम यहाँ पे करवाना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, जैसे मैथ कंपटीशन है उसके अंदर बच्चों को मैथ की नॉलेज मिले, जैसे साइंस कंपटीशन है उसके अंदर साइंस की मिलनी चाहिए, उसी प्रकार जैसे हमारा कंप्यूटर डे होता है उस पर भी कंप्यूटर कंपटीशन करवाना जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को कंप्यूटर के प्रति जानकारी मिले। हम यही मोटिव रखते हैं कि बच्चों को अलग अलग तरीके की जानकारी मिले सिलेबस के साथ साथ, क्योंकि सिलेबस तो सालों से वही प्रथा चलती आ रही है, बच्चों को अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है उनके लिए बेनिफिट रहता है सर। चलिए शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि खारिया पब्लिक स्कूल समय
समय पर इस तरह की एक्टिविटी आयोजित करवाता है जिससे कि बच्चों को जो जानकारी है वो आसानी से और आसान तरीके से बच्चे उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रख पाते हैं अपने पास, अपने दिमाग में उसको फिट कर पाते हैं जिससे कि वो कभी भूल नहीं पाते। और इस तरह के कॉम्पिटिशन अगर आयोजित हर एक स्कूल करवाने लग जाए, हर एक लगभग तो स्कूलों में हमने देखा है कि इस तरह के कॉम्पिटिशन आयोजित करवाए जाते हैं, लेकिन जो स्कूल नहीं करवाते वो भी अगर करवाने लग जाए तो उस स्कूल का रिजल्ट भी, परीक्षा परिणाम भी कुछ हद तक सुधर सकता है। तो इसी का नतीजा है, परिणाम है कि खारिया पब्लिक स्कूल का जो रिजल्ट है वो हर साल जो 100% आने का दावा किया जाता है और आता भी है। तो ऐसे में इसी तरह से अगर बच्चे सिलेबस अपना गेन करेंगे, सवाल जो है वो उनसे पूछे जाएंगे, साल में अगर 3 से 4 बार इस तरह से रिपीट हो जाते हैं तो वो बच्चा कभी उस सवाल को भूलता नहीं है। और सिलेबस के साथ साथ बच्चों को अगर सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो सामान्य ज्ञान की भी अच्छी खासी जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। कैमरा सहयोगी मुकेश बेनीवाल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।